नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गढ़पुरा मिथिलांचल के मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध गढ़पुरा स्थित हरिगिरि धाम स्थल में एक माह तक चलने वाली श्रावण मास मेला का उद्घाटन पूजा अर्चना करते हुए गुरुवार को जिला अधिकारी रोशन कुमार कुशवाहा, अनुमंडलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, प्रखंड प्रमुख अमोल देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आफ्ताब आलम, अंचलाधिकारी स्मिता कुमारी, पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान, रामानंद राम समेत अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर गढ़पुरा स्थित हरिगिरि धाम में आयोजित श्रावणी मास मेला के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचे एवं राज्य मेला प्राधिकार की ओर से आयोजित इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक समेत कई वक्ताओं ने जिलाधिकारी महोदय से विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी रोशन कुमार कुशवाहा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य मेला प्राधिकार की ओर से जिला प्रशासन के सौजन्य से इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं के सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। इसके लिए सिमरिया घाट एवं झमटिया घाट, मुंगेर घाट व मटिहानी घाट से लेकर धाम परिसर तक आने वाले सभी कांवरवासी पथियों के विभिन्न जगहों पर बेहतर व्यवस्था प्रदान किए जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को मेले के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए उपस्थित स्थानीय प्राधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिगिरि धाम स्थल तक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कांवड़िया पथों के अलावे संपूर्ण जिले के चारों ओर विभिन्न मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। कांवड़िया पथों पर पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। विशेषकर रविवार एवं सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल भर कर पांव पैदल चलते हैं, जिस दौरान अतिरिक्त बल सिविल डिफेंस कर्मियों के द्वारा सुगमता पूर्वक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में श्रद्धालुओं का जल अर्पण कराया जाएगा। स्थानीय लोगों ने रवि पदाधिकारियों के समक्ष विभिन्न मांग। स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि गढ़पुरा स्थित बाबा हरिगिरि धाम में आए दिन सैकड़ों लोगों के द्वारा शादी विवाह का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके लिए विवाह मंडप बनाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा चार दीवारी की आदि आवश्यकता है, जिस पर सर्वसम्मति से योजना बनाकर धरातल पर उतारने की जरूरत है। भूतपूर्व विधायक रामानंद राम व उपेंद्र ने कहा कि 2011 से बिहार राज्य मेला प्राधिकार की ओर से यहां सरकारी स्तर से मेला लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिस पर लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं, लेकिन धाम परिसर के जमीन को अब तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा पैमाइश कराकर मेला मंदिर का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जिसे अभिलंब इस पर माफी करवा कर हरिगिरि धाम परिसर की घेराबंदी कराई जाए। वहीं पूर्व उपेंद्र पासवान ने कहा कि जिस चंद्रभागा नदी के तट पर बाबा हरिगिरि धाम अवस्थित है, वह आज मृत प्राय बनती जा रही है। चंद्रभागा नदी को लोगों के द्वारा अतिक्रमण का अवरोध किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस अवसर पर आगत अतिथियों को अंग वस्त्र एवं माला से धाम विकासित समिति के सदस्यों के द्वारा सर्व सम्मानित किया गया। मौके पर हरिगिरि धाम विकास समिति अध्यक्ष सुभाष यादव, सचिव लक्ष्मीकांत मिश्र, दिलीप ठाकुर, बेगूसराय सदर BDO सुदामा प्रसाद सिंह के अलावा गढ़पुरा बकरी नावकोठी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, बकरी एवं मंझल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। श्रावण के प्रथम दिन लोगों ने किया अभिषेक। बुधवार को श्रावण के प्रथम दिन के अवसर पर मनोकामना पूर्ण लिंग बाबा हरिगिरि धाम स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, जिसे धाम परिसर से बना रहा बोलबम के जयकारों से धर्म स्थल गुंजायमान हो रहा था। बताते चले कि सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक का सबसे अधिक महत्व है। वस्त्रों के अनुसार जो मनुष्य सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। गढ़पुरा से प्रदीप छाती रिपोर्ट। हम लोगों के लिए कुछ करने के लिए मिला है कर्म प्रधान से अपने स्तर से
अपना सहयोग दें ताकि हम लोग सब लोग मिलकर इस जगह का विकास कर सकें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं अगले एक महीने तक लगातार आएंगे, उनकी सेवा के लिए हम लोगों को सदैव तत्पर रहना है। भोलेनाथ लेते कुछ नहीं है, देते सब कुछ। तो हम लोगों को अगले एक महीने तक इसी भावना के साथ कार्य करना है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेवा करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि जब वो लोग यहाँ से जाएं तो उनके रास्ते में भले ही कुछ भी कष्ट हुआ हो या जो हुआ, बाबा का दर्शन करने के बाद, बाबा का प्रसाद लेने के बाद जब वो यहाँ से जाएं तो इस जगह के प्रति उनके मन में एक अच्छी भावना रहे और यहाँ के लोगों, यहाँ के जो व्यवस्था है उसके प्रति अच्छी भावना रहे। इसके लिए भी हम लोगों को अच्छे से कार्य करना होगा और अपने जिला प्रशासन की टीम की तरफ से मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूँ कि ये लोग सदैव तैयार रहेंगे और सदैव तत्पर रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम लोग मदद कर सकें। यूँ तो शिव भक्त श्रद्धा कई सारी चाहे मंदिर का चार दीवारी का हो, पेमेंट ब्लॉक का हो या अन्य जीवन का हो, इसका प्रस्ताव बना के आपने पर्यटन विभाग से भेजेंगे ताकि इस पूरे जो भाग है समेकित विकास हो सके और उसकी जो और आम तौर पे